ऑल वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय Hi you all, welcome and welcome back to my YouTube channel. I am Devi Javarkia and I post content around skincare, beauty and fashion. If you are new to my channel, please take a moment and do subscribe and notification bell icon bhi on kar lena. So with that, let's dive into the video fatak se bina time waste kiye. So this video is about products I am currently obsessed with. So this is a mixture of body care, skin care and पेट केयर. लेट्स स्टार्ट विद द प्रोडक्ट्स वन बाय वन. प्रोडक्ट्स के प्राइजेस या फिर कुछ और डिस्क्रिप्शन अगर मुझे डालना होगा तो वो आपको इधर स्क्रीन पे दिख जाएगा. बाकी प्रोडक्ट्स के लिंक एंड कूपन कोड्स अगर होंगे तो वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. लिंक्स अफिलिएटेड हो सकती हैं, सो उनसे मुझे बहुत छोटा सा कमीशन मिलेगा. एकदम चिंदी कमीशन होता है वो. सो प्लीज गो अहेड एंड बाय इट. बिल्कुल दिल खोल के बाय करो मेरे लिंक से. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट प्रोडक्ट, दिस इज अ न्यूली एक्सप्लोर्ड थिंग आई शुड से. दिस इज द राइट बाइट का मैक्स प्रोटीन 7 ग्रेन ब्रेकफास्ट कुकी. सो दिस इज अ कुकी. माई रूममेट वंस रिकमेंडेड मी टू ट्राई कुकीज इंस्टेड ऑफ दिस चिप्स, लेस, कुरकुरे एक्सेट्रा जो मैं शाम को चाय के साथ खाती थी. बट आई ट्राइड ऑफ फाइंडिंग अ हेल्दी कुकी फॉर मी. उतना हेल्दी तो नहीं होगा बट स्टिल कंपेरेटिवली जितना मैं जंक खाती थी उससे बहुत ज्यादा हेल्दी है. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. अभी मैंने शाम को स्पियरमेंट टी के साथ एक कुकी खाया है पूरा एंड इट लिटरली फिल्स अप माई स्टमक. तो मुझे जब भी भूख लग रही होती है या खाना खाने के बाद भी कुछ ऐसे मीठा खाने का मन कर रहा होता है ना, तो दैट टाइम ऑल्सो इट हेल्प्स अ लॉट. एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. ये मैंने अभी पूरा फिनिश किया है तो मैं आपको दिखा नहीं सकती कि ये कैसे आता है, बट ये इसका पूरा सा रैपर है. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. बहुत ही अच्छी पैकेजिंग में आता है ये. एंड दिस इज इसमें ना चोको चिप्स भी होते हैं, तो लाइक इट फुलफिल्स अ मीठा का कैटेगरी. आपको जब वो आता है मुंह में तो बहुत मीठा, चोको चिप्स आर मीठा, तो इट फुलफिल्स दैट कैटेगरी फॉर मी. एंड इट्स सॉफ्ट एंड चुई. तो बहुत सारे ना पहले कुकीज मैंने शायद ट्राई किए हैं जो लाइक उतना मजा नहीं आता था खाने में, बट ये खाने में मुझे काफी ज्यादा मजा आता है. एंड इसमें 10 ग्राम प्रोटीन्स है, 4 ग्राम फाइबर है, नो मैदा एट ऑल एंड कैल्शियम भी है इसमें. सो इसके इंग्रेडिएंट्स ना, ये इसमें जो पीछे बताया है मैं वो बता रही हूँ. ये सुपर ग्रेन से बना है, दैट इज ओट्स, रागी, क्विनोआ, वीट, सत्तू, अमरंथ कॉर्न. दिस इज अ गुड ऑप्शन फॉर मी अपार्ट फ्रॉम दोज लेज चिप्स एंड ऑल. तो मुझे काफी अच्छा लगा ये. सो मैंने फर्स्ट टाइम जब बाय किया था मैंने ब्लिंकिट से शायद 1 या 2 का कॉम्बो मंगाया था एंड उसके साथ मुझे ये वाला एक प्रोटीन बार भी फ्री मिला था. सो इसमें बहुत कम शुगर है, लाइक इसलिए आप देख सकते हो ये बहुत टाइम से मेरे पास ऐसे ही रखा है, क्योंकि इसमें शुगर नहीं तो मैं खा भी नहीं पा रही हूँ. लाइक इट डज फील अ लिटिल लाइक हेल्दी. इसमें सिर्फ टोटल 0.5 शुगर है, सो बहुत कम अच्छा लगता है मुझे खाने में. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, फिर मैंने जब कुकी फर्स्ट टाइम खत्म किया उसके बाद मैंने दोबारा अमेजोन से एक पूरा पूरा बॉक्स मंगाया मैंने. सो मुझे काफी अच्छी डील में मिल गया था अमेजोन पर, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. तो उसमें फिर पूरा बहुत सारे ऐसे कुकीज ऐसे आते हैं, तो मैंने सब फिनिश कर लिया है लिटरली. अब मेरे पास सिर्फ 2 बचा है एंड आई थिंक 6 का बॉक्स मंगाया था मैंने. सो आई रियली लाइक्ड इट एंड इतनी बार मैंने खा चुकी हूँ ना, तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है. इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन इफ यू वॉन्ट टू ईट समथिंग मीठा एंड गुड इंग्रीडियंट से बना हुआ. सो जैसे कि मैंने बोला कि आई यूजुअली ईट दिस विथ स्पियरमेंट टी, या फिर मैं इसको कावा के साथ भी पीती हूँ जब मुझे चाय नहीं पीना होता है, जब मैं आउट ऑफ डेली होती हूँ तो मैं स्पियरमेंट टी पीती हूँ. आई वॉन्टेड टू ट्राई स्पियरमेंट टी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम बिकॉज आई हैव PCOS. Nobody would understand, but it does take a toll on my mental health also. क्योंकि मेरा वेट इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है. आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल इट. आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल माई एक्ने. सो आई एम रियली इन अ लॉट ऑफ स्ट्रेस समटाइम्स बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो. तो मुझे उसको काम डाउन करने के लिए आई वॉन्टेड दैट एंड आई हैव ऑल्सो हर्ड दैट स्पियरमेंट टी ऑल्सो हेल्प्स टू रेगुलेट योर मेंस्ट्रुअल साइकिल, बट आई डोंट बिलीव इट क्योंकि इट इज नॉट हेल्पिंग मी. सो आई डिड ट्राई आउट अ ब्रांड ऑफ स्पियरमेंट टी फ्रॉम अमेजोन ओनली. अमेजोन फ्रेंड्स का वीडियो क्यों बनता जा रहा है आई डोंट नो. दिस इज अ ब्रांड दैट आई ट्राइड आउट फ्रॉम अमेजोन. इट्स द टी करी बेनिफिट्स समथिंग ब्रांड, स्पियरमेंट लीव टी. एंड
30 रैप्ड पिरामिड टी बैग्स आए थे, जो ये पिरामिड शेप में था, इट वॉज नॉट अ स्क्वायर शेप्ड। एंड जो हमारा सिंथेटिक बैग आता है इसमें, एज इन जो टी बैग्स होते हैं ना, वैसा ही बैग था। एंड उसको आप पानी में डिप कर सकते हो, गर्म पानी में, एंड देन आप उसको थोड़ी देर छोड़ दो, फिर उसके बाद वो ऑटोमेटिकली टेस्ट डेवलप हो जाता है, देन यू कैन ड्रिंक इट। सो द ओनली प्रॉब्लम विद दिस इज द बैग जो इसमें आता है, दैट इज सिंथेटिक क्वालिटी, बट द क्वालिटी वॉज नाइस। एंड कैसा टेस्ट करता है स्पियरमेंट टी लिटरली टेस्ट लाइक मिंट, मिंट है उसका नाम। एंड वो टेस्ट करता है पुदीने जैसा ही, आई थिंक उसका एक भाई बहन है कुछ ये। एंड बहुत ही मिंटी टेस्ट होता है, हम जो सेंटर फ्रेश या सेंटर समथिंग, हम जो सेंटर फ्रेश या फिर कुछ ऐसा कुछ खाने के बाद जब पानी पीते हैं ना, तो वैसा जो वो ठंडा ठंडा वाला वाइब आता है, जो मिंट वाला टेस्ट आता है हमारे मुंह में, जो ठंडा जाता है हमारे दिमाग तक, एकदम वैसा इसको पीने के बाद आता है। बट दिस इज मच मोर हेल्दी देन सेंटा फ्रेश, सो आई रियली लाइक इट अ लॉट। आई वुड लिटरली वॉन्ट टू शो यू मैंने ये बॉक्स का क्या किया है। सो पूरा अच्छा खासा बॉक्स आया था इसमें, एंड इसमें मैं मेरे पास होटल के जितने भी वॉट आई वुड से लाइक जो भी हमको फ्री के साशो मिलते थे ना, वो सब मैंने रखे हैं। एंड देन आई एम ऑल्सो ट्राइंग आउट दिस गिरनार का डिटॉक्स देसी कावा, बहुत टाइम से ट्राई कर रही हूँ, एज इन बहुत टाइम से पीती हूँ मैं इसको, बहुत सारे पैकेट से तो थोड़े बहुत मेरे पास बचे हैं, बट लिटरली स्पियरमिंट टी का आई ओनली हैव टू। सो दिस इज हाउ द बैग लुक्स लाइक। इसके अंदर फिर एक और बैग है जो सिंथेटिक बैग है, जिसको आपको डिप करना होता है, बट ये ऐसी कुछ पैकेजिंग में आता है। एंड इसके अलावा मेरा सब कुछ खत्म कर चुका है, सिर्फ मैंने ये दो बचाए हैं अभी, आज मैंने एक पिया था। सो दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर एनी वन, लाइक आपको अगर थोड़ा शाम के टाइम पे चाय वगैरह नहीं पीनी है, आपको कुछ और हेल्दी ऑप्शन ट्राई करना है, सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। आई रियली लाइक इट, I would definitely buy it again. Then उसके बाद है another product which is a very recently launched product from Plum Goodness, and I have made a dedicated video about it. अगर इसके पहले चले गया है तो I will link it here. So this is Plum Vanilla Caramello का body wash, and they have a entire range going on for Vanilla Caramello. सारे ही products बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अभी recently body mist भी उन्होंने launch किया है, that I would not want to try it because vanilla body mist के साथ मेरा बहुत गंदा experience रह चुका है, बहुत ही alcoholic and बहुत बहुत ज़्यादा vanilla था उसमें, बहुत ज़्यादा sweet था वो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था मुझे। but the body wash is very good for vanilla caramello range, this is how the प्रोडक्ट लुक्स लाइक। एंड पूरी टॉपिंग जैसी बॉटल में आता है ये, एंड पम्प पैकेजिंग है तो आप आराम से इसको कैरी भी कर सकते हो क्लोज करके। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट, इसका टेक्सचर वगैरह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से लैदर कर देता है, एंड इतनी अच्छी स्मेल आती है ना नहाने के वक्त, तो मजा ही आ जाता है इसको नहाने से। बट इसका जो प्राइस है उसके अकॉर्डिंग इसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा कम रहती है, तो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। लाइक आई हैव टू बॉटल्स ऑफ दिस, दोनों ही मैंने खुद से बाय किया है, प्लम गुडनेस ने मुझे नहीं भेजा है, बट एक मेरे बाथरूम में अभी भी है, एंड वो ऑलमोस्ट इतना बचा है बस उसका, एंड उसको अभी मुझे एक महीना भी नहीं हुआ है यूज करते करते, सो आई डू यूज अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट एंड वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। सो दिस इज अ कॉन अबाउट दिस प्रोडक्ट, बट द टेक्सचर, द लेदर दैट इट गिव्स, द फ्रेग्रेंस, एवरीथिंग इज सो नाइस अबाउट इट। तो एक बार तो जरूर ट्राई करना, और आप मेरा डिस्काउंट कोड भी यूज कर सकते हो दिव्याबी15, तब को से थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा, सो दैट इज अ गुड पॉइंट। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज माई एब्सोल्यूट फेवरेट फ्रॉम प्लम गुडनेस अभी के टाइम पे, आई लिटरली लव दिस प्रोडक्ट सो मच कि मैंने 3 बॉटल्स खरीदी थी इसकी। दिस इज अ वनीला कैरामेलो का बॉडी लोशन, सेम रेंज है जो मैंने बॉडी वॉश का दिखाया, इट कम्स विथ कोकोआ बटर, एंड दिस इज हाउ द बड़ी वाली बॉटल लुक्स लाइक। आई थिंक दिस इज अ 400 ml, सबसे बड़ी बॉटल है ये, एंड ये मैंने फर्स्ट टाइम बाय किया था, आई लव्ड इट सो मच। देन कुछ सेल आया था शायद बाय वन गेट वन समथिंग, एंड देन आई बॉट अनदर शायद 250 ml या 200 ml का बॉटल, 240 ml है ये। सो ये छोटी वाली बॉटल इनकी ऐसी दिखती है, एक ऐसी बॉटल मेरी खत्म हो चुकी है। सो आई लिटरली लव दिस प्रोडक्ट अ लॉट एंड आई एम टोटली ऑब्सेस्ड विद इट, इट हैड टू बी इन दिस वीडियो, दिस इज अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट। इफ यू लाइक स्वीट सल्ट्री सेडक्टिव फ्रेग्रेंसेज, डेफिनेटली ट्राई आउट दिस बॉडी लोशन। जिसने भी अभी तक ये बॉडी लोशन ट्राई किया ना, सबको बहुत अच्छा लगा है, लाइक आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स दैट रियली लव दिस
बॉडी लोशन, इट्स अ डेफिनेटली गुड वन. टेक्सचर बहुत ज्यादा लाइट है, बिल्कुल भी चिपचिप नहीं देता है. यू नो आई हेट चिपचिप, एंड काफी अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है. फ्रेग्रेंस बहुत टाइम तक लास्ट करता है बॉडी पे. एंड देन यू कैन ऑल्सो पेयर इट विद बॉडी वॉश, देन बॉडी लोशन, देन स्मोकिंग वनीला वाला परफ्यूम भी ट्राई कर सकते हो आप प्लम गुडनेस से. तो पूरा आपका एक रूटीन बन जाएगा बॉडी का इससे. तो काफी अच्छे प्रोडक्ट्स है ये सारे प्लम गुडनेस के. I have another product from Plum Goodness, guys. I swear it's not a sponsored video. Literally honest video बना रही हूँ मैं. Plum Goodness did not send me anything to make this video. सारे products मेरे purchased products हैं. So this is a Plum Lip Gloss. And ये lip gloss भी I think उन्होंने recently launch किए थे. मैंने कोई भी इसका marketing नहीं देखा है. But it's a very good product. Like मैंने इसको सिर्फ Avene खरीद लिया था क्योंकि मुझे 99 रुपीज में मिल रहा था ये. But the लिप ग्लॉस, द क्वालिटी इज सो नाइस. लाइक ऐसा लिप ग्लॉस मैंने आज तक कभी ट्राई नहीं किया है. इट डज नॉट गिव चिपचिप ऑन माई लिप्स. लाइक ऐसा बिल्कुल वो होता नहीं है कि चिपक ही जाए मेरे लिप्स. एंड द शेड इज ऑल्सो नाइस. इट इज नॉट वेरी गुड फॉर डस्की पीपल क्योंकि थोड़ा लाइट शेड है ये. इतना मुझे समझ में नहीं आया था ऑनलाइन, बट इट डज सूट मी, सो आई एम ओके विद इट. सो इसका शेड है 1, 2, 3 वाटरमेलन क्यूलेस, ऐसा कुछ करके ये 1, 2, 3 वाला है. एंड दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक. एंड इसमें लिप ग्लॉस लिखा है. छोटा सा पैकेजिंग है, बिल्कुल ट्रैवल फ्रेंडली, आप इसको कहीं पे भी लेके जा सकते हो. दिस इज हाउ द शेड लुक्स लाइक. यू कैन सी इट्स सच अ ब्यूटिफुल प्रेटी शेड. मैं लिप्स पे लगा के दिखाती हूँ. यू सी दिस, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये डस्की पीपल के लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा. लाइक उनको उतना सूट नहीं करेगा. सो थोड़ा लाइक वॉश आउट कर देगा थोड़ा. बट आई रियली लव दिस. यू सी द टेंट, इट्स वेरी नाइस. एब्सोल्युटली यूजिंग दिस एवरी डे. इट्स लुकिंग सो नाइस, लाइक बहुत अच्छा है. एंड इतना मॉइस्चराइजिंग है. लाइक अगर मैं वैसलीन वगैरह कुछ नहीं भी लगाऊ ना, सिर्फ मैं इसको लगा लूँ तो मेरे लिप्स फिर भी बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज लगते हैं. थोड़ा सा फ्रेग्रेंस है इसमें, बट इतना नहीं है, हाइफन जितना तो नहीं है. एंड टेस्ट भी बिल्कुल भी गंदा नहीं है. काफी लाइक न्यूट्रल सा टेस्ट आता है. लाइक इतना कुछ टेस्ट आता नहीं है लिप्स तक, विच इज वेरी गुड क्योंकि हाइफन के लिप ग्लॉस ट्राई करके मेरा दिल एकदम टूट गया था. बट दिस इज अ वेरी वेरी गुड लिप ग्लॉस, डेफिनेटली ट्राई आउट. लाइक अभी तो 99 रुपीज समथिंग में मिल रहा है ये प्लम गुडनेस की वेबसाइट पे. सो इट्स अ वेरी वेरी गुड परचेज जो एक्सीडेंटली मैंने खरीद लिया, बट आई एम रियली लाइकिंग इट. अनदर प्रोडक्ट दैट आई एम टोटली ऑब्सेस्ड विद बिकॉज अभी मुझे बहुत एक्ने भी हो रखा है, बहुत रेड स्किन हो जाती है मेरी रोज. सो दिस इज अ टोटल गेम चेंजर, अ टोटल सेवियर फॉर मी. ये है डॉट एंड की का स्ट्रॉबेरी ड्यू टिंटेड सनस्क्रीन. इट्स फॉर डेली वेयर. सो इट हैज SPF 50 PA प्लस 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 03 सैंड. मुझे ज्यादा अच्छे से सूट करता है. एंड बहुत ही अच्छा टेक्सचर. इसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो बनाया मैंने, लाइव अप्लाई करके भी दिखाया है. आई विल लिंक इट हियर आप लोग के लिए, आप अच्छे से उसको देख सकते हो. सो ये एक पूरा मेरा ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है. लाइक आई डोंट सी द कितना बचा है इसका क्वांटिटी, बट काफी चला है मुझे ये. बट ये भी अभी लाइक खत्म होने वाला है. तो आई बॉट अनदर वन. ये भी अनस्पॉन्सर्ड है, डॉटन की ने भिजवाया नहीं है. मैं खुद से दो बार खरीदी हूँ. द प्रोडक्ट इज रियली नाइस. आई एम नॉट श्योर वाई पीपल आर नॉट लाइकिंग दिस. वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू गिव अ वेरी गुड कवरेज, बट इट्स जस्ट अ टिंटेड सनस्क्रीन गाइस, इट्स नॉट अ फाउंडेशन. सो मेरे लिए बहुत ही शियर कवरेज दे देता है मुझे. बींग अ एक्ने प्रोन स्किन पर्सन, इफ आई एम एबल टू यूज इट एवरी डे, तो नॉर्मल लोग तो यूज कर ही सकते हैं जिनको एक्ने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनको एक्ने स्कार्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो मुझे तो ये काफी ज्यादा अच्छा लगा. डेफिनेटली ट्राई आउट. टिंटेड सनस्क्रीन्स आर वेरी गुड. इफ यू वॉन्ट टू गो टू कॉलेज और इफ यू वॉन्ट टू गो टू ऑफिस, तो आप जस्ट सनस्क्रीन लगा रहे हो, वो भी टिंटेड वाला. एंड बहुत ही अच्छी कवरेज दे रहा है ये. तो लाइक इट्स अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट. थोड़ा सा कॉस्टली मे भी पड़ जाता होगा, बट यू कैन यूज माई डिस्काउंट कोड जहां पर मैं स्क्रीन पर बता दूंगी. सो आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा. सो इट्स अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट. बहुत सो बोल लिया. अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे.
नेक्स्ट प्रोडक्ट इज अ रीसेंट कोलैबोरेशन दैट आई एम डूइंग विद द ब्रांड. अभी मेरा वीडियो अप्रूवल के लिए गया है. आई एम नॉट श्योर इफ आई हैव पोस्टेड इट येट, बट जस्ट वॉन्टेड टू टेल माई यूट्यूब फैम कि ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अच्छा है. लाइक आई एम अ पर्सन हु हैज यूज्ड लनेश का लिप बाम. इट वॉज जस्ट सो मॉइस्चराइजिंग फॉर मी एंड बहुत ज्यादा महंगा भी था. ये भी बहुत ज्यादा महंगा है, बट द टेक्स्चर, द फील ऑफ इट, इट वॉज वेरी गुड. द लनेश वन वॉज वेरी गुड एंड मुझे लगता था कि उसको कुछ मैच करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो आई डिडंट बाय इट अगेन. एंड फिर मैं अपना नॉर्मल वैसलीन वगैरह यूज करने लगी थी, बट देन आई कोलैबोरेटेड विद दिस ब्रांड. सो दिस इज द फेस शॉप का विटामिन लिप स्लीपिंग मास्क. इट्स अ वेरी रीसेंट लॉन्च फ्रॉम देम. सो इसमें ना विटामिन सी, ऑरेंज सिट्रसी काइंड ऑफ स्मेल एंड फ्रेग्रेंस एंड टेक्स्चर काइंड ऑफ है इसका. समझ जाओ मैं क्या बोल रही हूँ. आई विल ओपन इट एंड शो इट फॉर यू गाइज. एकदम ऑनेस्ट रिव्यू देने वाली हूँ मैं यहाँ पे. रिव्यू देने के लिए उन्होंने मुझे पे नहीं किया है. सो दिस इज हाउ द प्रोडक्ट लुक्स लाइक. आप देख सकते हो एकदम इसका टेक्स्चर ना पूरा मैच करता है लनेश के साथ. इट्स वेरी वेरी मॉइस्चराइजिंग. बट आई वुड वॉन्ट टू से कि अगर मैं इसको अभी हाथ पे लेके, हाथ पे इधर रब करके दिखाऊं तो मुझे बहुत चिपचिप लगेगा, क्योंकि ये थोड़ा चिपचिप है. बट लिप्स पे जाने के बाद इट डज नॉट फील वेरी व्योर टू मी. सो इट फील्स वेरी मॉइस्चराइजिंग एंड नरिशिंग ओनली. सो आई यूज इट ओनली मोस्टली एट नाइट. मैं इसको लगा के, इट्स अ लिप स्लीपिंग मास्क, तो आप इसको लगा के सो जाओ, वैसे ही मैं करती हूँ. इसमें थोड़ा सिट्रसी, जैसे मैंने बताया, थोड़ा सिट्रसी ऑरेंज वाला स्मेल आता है, टेस्ट भी आता है. तो लनेश वाले में वो नहीं आता था, बट नेवर्थलेस इट्स अ वेरी वेरी गुड थिक लिप बाम. थोड़ा ज्यादा कॉस्टली है, आई थिंक 700 या 900 समथिंग का है, एंड आई डोंट हैव एनी कूपन कोड विद दिस ऑल्सो. अभी न्यूली लॉन्च है तो आई एम नॉट श्योर कि इसमें कुछ डिस्काउंट भी हो रहा होगा, बट अगर आपको ये कभी बहुत सस्ते में मिल जाता है तो ले लेना, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रोडक्ट है. इट डज मेक योर लिप्स वेरी सॉफ्ट. लाइक आई हैव सीन रिजल्ट कि मेरे चैप्ड लिप्स को इसने काफी हील किया है. सो आई एम सेइंग इट्स अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट. Now we have three Nykaa के products which I am totally obsessed with right now. First is Nykaa Love Struck category का Tender Touch Body Lotion. So Love Struck Nykaa ने एक range चालू करी थी जिसमें बोलो perfume and body lotion, body wash सब कुछ दे रहे थे. मैंने body wash के बारे में बहुत सारा बताया है एंड मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था. मैं यहाँ पे डाल दूंगी कि आप देख सकते हो मुझे कौन सा बॉडी वॉश सबसे ज्यादा पसंद है उनकी रेंज में से. मैंने काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स ट्राई किए थे लव स्ट्रक में से. सो उसमें बहुत सारे अलग अलग फ्रीग्रेंसेस आते हैं. फॉर सम रीजन आई एम नॉट एबल टू स्पीक, बट दिस बॉडी लोशन वॉज गिफ्टेड टू मी एज अ गिफ्ट व्हेन आई शॉप्ड यूजिंग माई बर्थडे मंथ फ्रॉम Nykaa. सो अगर आप Nykaa में अपना बर्थडे डालते हो एंड आप उस टाइम पे शॉप करते हो, बर्थडे मंथ में शॉप करते हो, तब को कुछ ना कुछ गिफ्ट आता है. मोस्टली आई सीन की बॉडी लोशन या बॉडी वॉश समथिंग देते हैं वो लोग. दिस इज अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट. लाइक इट स्मेल्स वेरी फ्रेश, वेरी सिट्रसी, वेरी फ्लोरल, वेरी फ्रूटी, सबका कॉम्बिनेशन है. लाइक इट्स अ वेरी मिक्सचर ऑफ ऑल फ्रेग्रेंसेज विच मेक्स इट वेरी यूनिक टू मी. एंड बिल्कुल भी हार्ड नहीं हिट करता है ये. इट्स अ वेरी वेरी गुड बॉडी लोशन. इसका बॉडी वॉश भी काफी ज्यादा अच्छा था. सो सेम फ्रेग्रेंस का बॉडी लोशन एंड बॉडी वॉश एंड परफ्यूम सब आता है. सो द स्मेल इज लाइक जस्ट वेरी नाइस. बहुत ही अच्छा लगता है नहाने के बाद, इसको लगाने के बाद मजा आ जाता था मुझे. अभी मैं इसको काफी ज्यादा यूज कर रही हूँ. लिटरली मैं शायद इतना बचा है, मुझे काफी ज्यादा पसंद आ रहा है ये बॉडी लोशन. एंड आई एम डेफिनेटली थिंकिंग टू रीबाई इट अगेन. बहुत ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट है. द फ्रेग्रेंस इज मस्त है, एकदम मस्त है. डेफिनेटली यू कैन ट्राई इट आउट. बहुत सस्ते में मिल जाता है, लाइक 300 समथिंग के अंडर आपको मिल जाएगा सेल के टाइम पे. इसका फ्रेग्रेंस जैसे मैंने बताया बहुत ज्यादा अच्छा है. ऑल्सो ये बिल्कुल चिपचिप नहीं करता है. आई डोंट लाइक चिपचिप ऑन माई बॉडी. तो ये काफी अच्छे से ऑब्जॉर्व हो जाता है. थोड़ा टाइम लगता है बस ऑब्जॉर्व होने में, क्योंकि मैं प्रोडक्ट भी काफी ज्यादा लगाती हूँ. बट एक बार ऑब्जॉर्व हो गया तो फिर बिल्कुल चिपचिप नहीं करता. एंड मॉइस्चराइजिंग बहुत ज्यादा लगता है. लाइक बिल्कुल भी आप ऐसा से करोगे तो आपको एकदम वो खिचपिच वाला नहीं आएगा. सो एकदम मस्त प्रोडक्ट है ये.
अनदर प्रोडक्ट दैट आई एम रिसेंटली ट्राइंग आउट फ्रॉम नायका, टू बी ऑनेस्ट मेरे पास बहुत टाइम से था ये. नायका आई थिंक गिफ्टेड मी इन सम बॉक्स, तो मैं इसको यूज नहीं करती थी बिकॉज आई वॉज यूजिंग ट्रेटिनोइन थोड़ा रुक रुक के, या फिर मैं एडाप्लिन यूज कर लेती थी एंड सैलिसिलिक एसिड यूज करती रहती थी. तो आई वॉज नॉट श्योर टू स्टार्ट माई रेटिनॉल जर्नी. आई एम 26 राइट नाउ एंड कुछ मंथ्स में मैं 27 हो जाऊंगी, तो आई एम क्लोज टू माई 30s एंड आई थॉट लाइक मैं ट्रेटिनॉइन इतना रेगुलरली यूज नहीं कर पा रही हूँ. मैं एडाप्लिन भी कभी कभी यूज करती हूँ. I did wanted to start my retinol journey to like help in aging me gracefully maybe, and thoda like aging is another part, but I do have a lot of acne and acne scars and retinol does help on that. So I wanted to start my retinol journey and I did start it maybe 2 weeks ago and it's going great. Purging mujhe nahi hua maybe utna zyada, kyunki I was using tretinoin for ऑलमोस्ट 1.5 ईयर एंड फिर मैंने स्टॉप किया था. जिसको मेरी रेटिनॉल जर्नी नहीं पता है, तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं किया रेटिनॉल से, लाइक इतना इचिंग या जो रेडनेस एंड उतना ज्यादा प्रॉब्लम फर्स्ट टाइम बिगिनर को आता है उतना मुझे नहीं हुआ, क्योंकि माई स्किन इज नाउ वेरी अडेप्टेड टू हाईली सेंसिटिव एक्टिव्स, तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ. बट आई एम फेसिंग वन साइड इफेक्ट, दैट इज ड्राई स्किन टाइप. अभी थोड़ा विंटर्स भी आ रहा है, समर सीजन थोड़ा जा रहा है, गर्मी थोड़ी जा रही है, तो मुझे थोड़ा ड्राई स्किन टाइप हो रहा है. लाइक इफ आई अप्लाई फाउंडेशन और समथिंग तो वो स्टिक भी हो रहा है मेरे ड्राई पैचेस पे. तो माई स्किन इज लिटरली ड्राई डेजर्ट राइट नाउ, बट नॉर्मली मैं कॉम्बिनेशन स्किन रहती हूँ. सो या माई स्किन जर्नी इज गोइंग ग्रेट. मैं प्रोडक्ट दिखाना भूल गई, मैं फालतू की बातें कर रही थी. But this is how the product looks like. It's a serum. It's a retinol serum. And काफ़ी अच्छा texture है इसका, बिल्कुल भी itchy नहीं देता है skin पे. तो like it's a good retinol serum if you want to try out. And इसमें 2% advanced retinol है, 2% retinol है. आई एम नॉट श्योर ये कम है या ज़्यादा है, बट अगर आपको पता है तो नीचे कॉमेंट्स में बता देना. एंड इसमें 1% सेवियर लाइम एक्सट्रैक्ट है. सो इट्स मेन पर्पज इज टू स्मूद एंड रिंकल्स and promotes skin renewal. So skin renewal anti-aging में भी help करता है and skin renewal ये cell के turnover को भी बढ़ाता है, ताकि मेरे को acne का जो acne marks है वो जाए जल्दी. So I have not seen any results अभी तक. अभी तो मेरी skin adapt ही हो रही है. I am excited to try out this product like पूरा खत्म करने तक. Let's see कि ये मेरे acne scars को कम करता है कि नहीं, क्योंकि मुझे जो इतना पूरा एकदम भूचाल आया था मेरे acne का, मेरे face पे बहुत acne marks छोड़ के गया है वो. So let's hope कि ये result दे, but it's a very definitely good product. महंगा है काफी ज्यादा, price मुझे दिख रहा है 899, so it's a महंगा product, but as long as it's showing results on my face for acne and acne scars, I'll be happy about it. Last product which was also a gift from Nykaa to me, this is Nykaa Wanderlust Dreaming of Paris Body Lotion. So Nykaa ke Wanderlust range mein bhi kafi zyada products hai, like body wash hai, body lotion hai, kafi zyada products hai. Got a body wash also, blue wala, Mediterranean Sea wala, but mujhe wo itna acha nahi laga tha. But then I got this product from them, this is Dreaming of Paris. Ye inka new variant in logon ne launch kiya tha, iske kafi zyada products aaye hain. So ye mujhe kafi zyada acha laga, but main bolungi thoda sa chip chip deta hai ye mere body pe, but kuch time ke baad absorb ho jata hai. The fragrance and the texture is very lightweight. The fragrance is very nice. It definitely gives a very halka sa subtle sweet fragrance. Main thoda mujhe yaad nahi aa raha hai. It is sweet. It is not fresh and it is not floral, but thoda sweet hai ye. The texture is very very lightweight. आप देख सकते हो बहुत इजीली स्किन में ब्लेंड हो जाता है, एकदम लाइटवेट है, थिक टेक्सचर नहीं है. जो लवस्ट्रक वाला था उसका थोड़ा थिक टेक्सचर है, बट ये बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है. एंड इसमें से लिटरली भीनी भीनी मीठी वाली खुशबू आ रही है. सो इट्स अ वेरी नाइस फ्रेग्रेंस एंड खुशबू थोड़ा देर तक रहता है मेरे बॉडी पे. इट्स लिटल बिट ऑफ लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस ऑल्सो एंड काफी मॉइस्चराइजिंग दे देता है, लाइक पूरा अच्छे से अब्जॉर्ब हो गया एंड लाइक बिल्कुल मॉइस्चराइजिंग रहता है. अभी बिल्कुल चिपचिप भी नहीं लग रहा है, क्योंकि मैंने बहुत कम प्रोडक्ट लिया है, नॉर्मली मैं बहुत ज्यादा प्रोडक्ट लगाती हूँ.
So yes, these were all the products that I am currently obsessed with. I hope you got intrigued with any of the product and you would want to try them. क्योंकि मैंने literally honest opinions and honest reviews दिए उनके बारे में. I hope you liked these reviews and let me know आपको ये concept अच्छा लग रहा है कि नहीं. तो I will try to make maybe every month a video on this topic. I will see you as another video very very soon. Video अच्छी लगी तो please like कर देना यार and नीचे कुछ भी comment कर देना. Engagement थोड़ा बढ़ाओ. Video में बहुत कम views आ रहे हैं, like वो कम ही होता जा रहा है, कम ही होता जा रहा है. Subscribers भले ही बढ़ रहे हैं, पता नहीं कौन से subscribers है जो video नहीं देखते हैं. तुमको कुछ और देखना है तो मुझे बताओ नीचे comment section में तुमको क्या देखना है. And I'll see you guys another video very very soon. Till then, bye guys.